हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी गोइंग ऑन पीरियोडिक टेबल यूनिट लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग यहाँ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ब्रॉड फॉर्म में स्टडी करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने लॉ पढ़ रखी है, जिसमें मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम, इन दोनों का डिस्कशन किया था आपसे। तो आज यहाँ हम मेंडलीव के आवर्त नियम के आधार पर मेंडलीव द्वारा प्रतिपादित की गई आवर्त सारणी का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मेंडलीव्स लॉ, मेंडलीव का नियम या मेंडलीव का आवर्त नियम। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके परमाणु भारों के यानी एटॉमिक मास के या एटॉमिक वेट के आवर्ती फलन। तो ये एक स्टेटमेंट जो बना, ये मेंडलीव्स का आवर्त नियम कहलाता है। अर्थात तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इस आधार पर हम लोग अब मेंडलीव की आवर्त सारणी का स्टडी करेंगे। इस आवर्त सारणी का मुख्य बिंदु, मुख्य आधार कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को बनाते हुए मुख्य आधार एटॉमिक वेट्स लिए, यानी जिन तत्वों का खोज हो चुका था उस समय नियर अबाउट 63 टू 65 एलिमेंट्स का, उनके लिए एटॉमिक वेट्स को इस आवर्त सारणी का आधार बनाया और इस आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को मुख्य रूप से टू पार्ट्स में डिवाइड किया। ये कॉलम्स क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल कॉलम्स कहलाते हैं, जिनमें जो ऊर्ध्वाधर कॉलम्स हैं यानी खड़े कॉलम्स हैं, इन्हें ग्रुप्स कहते हैं। और आपको जानकारी कराऊं कि जो ग्रुप्स हैं इन्हें वर्ग कह रहे हैं, और इन्हें ही आगे चल करके जो मॉडर्न फॉर्म में पीरियोडिक टेबल आई वह समूह नाम दिया गया। तो एक पार्ट तो आया जिसे ग्रुप्स को नॉमिनेट किया गया, और दूसरा सेकंड पार्ट आया जिसे सीरीज के रूप में नॉमिनेट करते हैं। तो इस आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर कॉलम्स हैं वे वर्ग कहलाते हैं, और जो क्षैतिज कॉलम्स हैं इन्हें सीरीज कहते हैं या श्रेणियां कहते हैं। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में जो वर्ग हैं यानी जो ग्रुप्स हैं उनकी संख्या 9 रखी, और इन्हें क्रमशः जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स एंड फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स, सिक्स्थ ग्रुप एलिमेंट्स एंड सेवेंथ ग्रुप एलिमेंट्स, और लास्ट किया एट्थ ग्रुप एलिमेंट्स से। जबकि जो 36 कॉलम्स हैं उन्हें 12 पार्ट में क्लासिफाइड किया। अर्थात सीरीज की संख्या यानी श्रेणियों का जो नंबर है वह 12 है, तो वर्गों की संख्या 9 और सीरीज की संख्या 12 है। जैसा मैंने पहले भी कहा आपको कि इस आवर्त सारणी का मुख्य आधार परमाणु भार लिया मेंडलीव ने, यानी एटॉमिक वेट्स ऑफ एलिमेंट्स आर द मेन लॉजिकल व्यू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। तो इस आधार पर जब क्षैतिज रूप से एलिमेंट्स को पुट अप किया, तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को प्लेस दिया, बिकॉज द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज नियर अबाउट एग्जैक्टली 1, बट करेक्ट इज 1.008। मोस्टली हम लोग इसे 1 ही लिखते हैं, तो इसलिए फर्स्ट प्लेस हाइड्रोजन को दिया गया। देन जीरो ग्रुप में हीलियम फर्स्ट सेकेंड सीरीज का एलिमेंट है, जबकि फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन फर्स्ट सीरीज का एलिमेंट है।
तो सेकेंड सीरीज में एलिमेंट्स का नंबर अधिक मिला फर्स्ट की अपेक्षा। यानी यहां अगर श्रेणियों की बात की जाए तो बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, क्वेश्चन कि प्रथम श्रेणी में आने वाले तत्व का नाम लिखिए, तो आपका आंसर हुआ हाइड्रोजन। यानी फर्स्ट सीरीज में केवल हाइड्रोजन सिंगल एलिमेंट्स के रूप में उपस्थित। नाउ सेकेंड सीरीज, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। अर्थात सेकेंड सीरीज में फर्स्ट सीरीज की अपेक्षा अधिक एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। नाउ थर्ड सीरीज, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन आर प्रेजेंट। अब हम यहां देख पा रहे हैं कि जैसे फर्स्ट सीरीज में केवल हाइड्रोजन एलिमेंट्स ही था एटॉमिक वेट के आधार पर, और बाकी के जो प्लेस थे उस ग्रुप में वो ब्लैंक छोड़ दिए गए। इसी प्रकार सेकंड सीरीज में लास्ट जो वर्ग था एड थे उसका कॉलम ब्लैंक कर दिए गए, एंड इसी प्रकार थर्ड सीरीज में भी लास्ट कॉलम ब्लैंक है। तो जहां पर जिन परमाणु भारों के एलिमेंट्स उपस्थित नहीं थे उनके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में, अपनी पीरियोडिक टेबल में रिक्त स्थान छोड़ दिए। तो इसी प्रकार फोर्थ सीरीज में आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड देन एर्थ ग्रुप में आयरन, कोबाल्ट, निकिल आदि एलिमेंट्स की उपस्थिति थी। फिफ्थ सीरीज में फर्स्ट ग्रुप से कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलिनियम एंड ब्रोमीन एलिमेंट्स को पुट अप किया, और जबकि जीरो ग्रुप का कॉलम और एर्थ ग्रुप का कॉलम ब्लैंक रहा। तो इसी प्रकार से सिक्स सीरीज, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ एलिमेंट्स को पुट अप किया, जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर थे उनको एटॉमिक वेट के आधार पर इन्हें व्यवस्थित किया, और जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं थे उनके लिए इन्होंने ब्लॉक कॉलम्स को छोड़ दिया, अर्थात रिक्त स्थानों को छोड़ दिया। स्टूडेंट्स, मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में यानी ट्वेल्थ सीरीज के बाद जो कुछ ऑक्साइड्स थे, स्पेशली द हायर सलाइन ऑक्साइड यानी जो साल्ट थे उनके उच्च लवण ऑक्साइड को प्लेस किया, और इसी प्रकार उच्च गैसी हाइड्रोजन के यौगिकों को भी स्थान प्रदान किया। तो इस प्रकार स्टूडेंट, जेएफ मेंडलीफ पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोजे गए एलिमेंट्स को एक टेबल में व्यवस्थित किया, एक सारणी में व्यवस्थित किया, और इसी टेबल को अपने नाम पर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल नाम दिया, अर्थात मेंडलीफ की आवर्त सारणी नाम दिया। केमिस्ट्री में इनके इस ग्रेट वर्क के लिए स्पेशली इन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल का नॉमिनेट किया गया और इन्हें सम्मानित किया गया। अब जब ये आवर्त सारणी 18 सेंचुरियन में मेंडलीफ द्वारा प्रस्तुत की गई तो धीरे धीरे एलिमेंट्स और खोजे जा रहे थे। एलिमेंट्स की संख्या जब बढ़ गई तो कई सारे ऐसे एलिमेंट्स आए जिनको इस पीरियोडिक टेबल में व्यवस्थित किया जाना था। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया केमिस्ट्री का इस पीरियोडिक टेबल को लेकर के, उसके आधार पर कुछ वैज्ञानिकों ने लगातार संशोधन किए मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, और कुछ डिफेक्ट्स जो रह गए थे अर्थात जो कुछ कमियां रह गई थी उन्हें सुधार किया और नई आवर्त सारणी के रूप में प्रस्तुत किया। तो अब हम लोग जानते हैं कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में क्या डिफेक्ट्स थे, अर्थात क्या दोष थे या क्या कमियां रह गई थी। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष या कमियां, डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला मुख्य डिफेक्ट, अपनी पीरियोडिक टेबल का मुख्य आधार
परमाणु भार को लिया। क्यों लिया? क्योंकि डोबेराइनर ने सजेस्ट किया था अकॉर्डिंग टू टेप्लेट रूल। परंतु जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट ज्ञात नहीं थे उनके लिए यह सिद्धांत लागू नहीं हुआ, और परमाणु भार का आधार बनाने के कारण इन्हें पीरियोडिक टेबल में जगह जगह पर रिक्त स्थान छोड़ने पड़े। तो अर्थात परमाणु भार का लेना, मुख्य आधार बनाना, यह भी एक प्रकार का इस पीरियोडिक टेबल का मुख्य दोष था। नाउ सेकेंड डिमेरिट्स, रिक्त स्थानों का उपस्थित होना। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको कि जिन एलिमेंट्स की प्रेजेंस नहीं थी उनके लिए इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में रिक्त स्थान छोड़ दिए, जिससे जगह जगह पर उन ब्लॉक्स के ब्लैंक होने के कारण इनकी पीरियोडिक टेबल अव्यवस्थित रूप से यानी अनसिक्वेंसली दिखाई देती। नाउ थर्ड डिफेक्ट, नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स, स्पेशली सम एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द सेम जेड वैल्यू बट डिफरेंट देयर एटॉमिक वेट्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। अर्थात जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं वे समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स को कहीं भी स्थान प्रदान नहीं किया गया। ठीक बताओ। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स इस पीरियोडिक टेबल में मुख्य रूप से ये डिफेक्ट्स थे जिनको संशोधित करके नई आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया गया।